वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा लाइव करके बताया है स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों के डाउट आए हैं, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिससे कि जो भी मिस्टेक आप कर चुके हैं जो बच्चे, वो आप रिपीट ना करें। पहला डाउट बच्चों का ये आया था कि भैया जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो हमें किसका करना है, हम अपना खुद का डोमिसाइल बनवाएं या फिर अपने पेरेंट्स का यूज करें। तो देखो, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप माइनर हो, और माइनर अगर हो तो आपको अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका डोमिसाइल अभी नहीं बनेगा। आप अगर 18 हो या 18 प्लस हो तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करवा सकते हो और वही सर्टिफिकेट आपका जमा होगा, उसी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। यानी 18 से कम है तो अपने पेरेंट्स का अपलोड करिए, अगर 18 या उससे ज़्यादा है तो अपना खुद का अपलोड करिए। एंड फिर इसके बाद दूसरा जो डाउट था वो ये था कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हमें किसका अपलोड करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट देखिए, आपकी अभी खुद की इनकम तो है नहीं, आप खुद स्टूडेंट हो, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने पेरेंट्स का ही यूज करना है। आप चाहे 18 प्लस हो, 18 माइनस हो, मतलब 18 से कम हो, आपको अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट यूज करना है, उसे ही अपलोड करना है। तीसरा डाउट था बच्चों का कि जो TFW है, ट्यूशन फी वेवर, इसको हम अप्लाई करें कि ना करें, इसका क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। तो देखो, TFW के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 8 लाख या उससे कम का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पहली बात तो ये सब आपको पता है। दूसरा ये है कि TFW में जो ब्रांच मिल जाती है वो ब्रांच आपकी चेंज नहीं होती है, ना ही इंटरनल ब्रांच चेंज में चेंज होगी और ना ही TFW वाली सीट आपकी एक साल के बाद जो कॉलेज में चेंज होता है फर्स्ट ईयर के बाद, तो उसमें भी आपकी जो ब्रांच है वो चेंज नहीं होगी। जिस ब्रांच में चले गए हो उसी ब्रांच में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि TFW में कैटेगरी कंसिडर नहीं की जाती, TFW अलग से 5% सीट होती है, उसमें सभी CRL के बेस पे ही एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे आपकी कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाएगी, कट ऑफ TFW के नॉर्मल सीट से हाई रहते हैं। ये तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि TFW में अगर जाओगे तो ट्यूशन फीस नहीं भरनी पड़ेगी, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अब हम TFW के लिए अप्लाई करें ना करें, यस करें नो करें, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आपके पास 8 लाख या उससे कम का मतलब इनकम सर्टिफिकेट है तो आप अभी TFW के लिए वहां पे यस कर दो, ठीक है। जब आप चॉइस फिलिंग करना, तो जब आप वहां पे यस करके रखोगे ना, तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज का जो पूरा नॉर्मल वाला ब्रांच है, नॉर्मल सीट जो है और TFW वाली सीट जो है, वो दोनों ही आपके सामने ऑप्शन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, JEC जबलपुर के अंदर CS है, IT है, तो वहां पे जब चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो JEC जबलपुर का CS प्लेन दिखाएगा, IT भी प्लेन दिखाएगा और CS TFW वाला भी दिखाएगा, FW लिख के आगे और IT भी FW लिख के आगे दिखाएगा। तो TFW वाले ऑप्शन भी आपके पास आएंगे, आप उन्हें चॉइस फिलिंग में भरोगे, अगर उनमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल सीट आप फिलअप करोगे ही, तो नॉर्मल सीट में आपका हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत कॉमन डाउट था बच्चों का, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। अभी यस कर दो अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो, इसके बाद वहां पे बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह एंटर करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन में तो वहां पे कर देना, और अगर आगे चल के TFW मिल जाती है, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं करना है तो नेक्स्ट राउंड में चले जाना, नॉर्मल सीट में ले लेना एडमिशन, भरोगे तो नॉर्मल सीट के लिए भी वहां पे दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसके बाद एक और डाउट था कि भैया रजिस्ट्रेशन में हम मिस्टेक कर दी, अब हम क्या करें। हमने हालांकि पूरी वीडियो बनाई, स्टेप स्टेप बताया, लेकिन बच्चों ने फिर भी मिस्टेक कर दी, होता है, नॉर्मल बात है, तो अब हम क्या करें। तो अब ऐसा है कि या तो आप वेट करिए, लास्ट में 24 या 25 तारीख को जुलाई में रजिस्ट्रेशन एडिट हो रहे हैं, हमने अपने जो वीडियो बनाया जिसमें पूरा शेड्यूल बताया उसमें बताया है, तो लास्ट के 2 दिन रजिस्ट्रेशन एडिट होता है, वहां पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। या फिर एक शॉर्टकट बताता हूं, आप कुछ मत करो, MPDT के पोर्टल पे जाओ या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का एक लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए उस पे सिंपली जाओ, अपना जो पूरा डिटेल है वो एंटर करो, OTP आएगा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हो उस पे, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तुरंत दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दो, वो रजिस्ट्रेशन फिर जाएगा वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास, इस बार मिस्टेक मत करना, और वो आपका वेरीफाई कर देंगे डॉक्यूमेंट। ये सॉलिड तरीका है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाइए, कैंसिल करिए, नया रजिस्ट्रेशन करिए, वो वेरीफाई हो जाएगा 48 आवर्स के अंदर, आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे
ओटीपी मतलब जो एलिजिबल कैटेगरी और पूरा जो डिटेल है टेम्परेरी पासवर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है ना। दो मैसेज आते हैं, एक एलिजिबल कैटेगरी का, एक टेम्परेरी पासवर्ड का। तो ये चार कॉमन डाउट थे, डोमेसाइल हमने कवर कर लिया, इनकम सर्टिफिकेट कवर कर लिया, अपने पेरेंट्स का यूज करना है, टीएफडब्ल्यू के लिए बता दिया, और जो रजिस्ट्रेशन मिस्टेक है वो भी बता दी। टीएफडब्ल्यू सिर्फ 5% सीट होती है, ब्रांच चेंज नहीं होती, कई बार बता चुका है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके देख लीजिए। जेईई मेन में रैंक कम है क्योंकि काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई है, तो लेट तक चलेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, तो अगर क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है तो जेईई मेन में रैंक कम है, आपको लग रहा है कि आपकी रैंक अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज आप नहीं पा रहे हो, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग सपोर्ट टीम की डिटेल है, वो इसी के लिए रखे गए हैं, आपको वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसके बाद कमेंट पे जो पूछना है वो पूछे, हर एक चीज आपको हम बताएंगे। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, इसके बाद कमेंट करना। मिलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, तब तक के लिए मैं चलता हूं, जय हिंद।